नमस्कार, आप देख रहे हैं जेटीएन न्यूज़ इंडिया। और आज के इस खास कार्यक्रम में एक खास मेहमान डॉक्टर पी नैयर यहाँ पर मौजूद हैं, बोकारो आए हुए हैं, समीक्षा कर रहे थे। ये स्वास्थ्य विभाग के चेयरमैन भी हैं यहाँ पे झारखंड में। लेकिन ये जो बातचीत है, इस सेगमेंट में हम राजनीतिक बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो नैयर साहब, स्वागत आपका जेटीएन। धन्यवाद जेटीएन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य हैं। सवाल राजनीतिक की, जो वैक्सीन शॉर्टेज का रोना बार बार झारखंड सरकार रो रही है यहाँ पर, आप लोग बार बार ब्लेम करते हैं सेंटर को कि वैक्सीन कहीं और दे दिया वो चेहरा चमकाने के लिए, यहाँ वैक्सीन शॉर्टेज हो गया, ये बार बार आरोप क्यों? देखिए, खासकर के तब जबकि वैक्सीन का वेस्टेज भी हुआ है इस स्टेट में बहुत ज़्यादा, ये ऑन रिकॉर्ड है। देखिए, बिल्कुल जो रोने की बात कर रही है, ये हकीकत है, फैक्ट है। और जो वैक्सीनेशन की बात हो रही है, अब ये वैक्सीन उन्हें, जब हमारे पास एक साल वक्त था 2020 में, तो उस वक्त इन्हें स्टॉक कर लेना चाहिए था वैक्सीनेशन, क्योंकि जब मुझे मालूम है कि भारत की ऑलरेडी 135 जो आंकड़ा है यहाँ पे लोगों, 135 आंकड़ा है, तो उसके अनुसार मुझे पता करना चाहिए था कि मुझे कितनी वैक्सीन किस स्टेट में देनी है, कहाँ किस में यूथ की संख्या ज़्यादा है, कहाँ सीनियर की ज़्यादा है, इस तरह से देखते हुए इन्हें तैयार करना चाहिए था। लेकिन ये बिल्कुल सोए रहे और टूरिस्ट में ऑलरेडी बंगाल में जाके जो इन्होंने अपने आप को, मतलब ऐसा लगा कि मुझे जीतना है। अभी तो लगता है कि आने वाले वक्त में जो हाल होगा बीजेपी का, वो मुखिया पंचायत तक वो चले जाएंगे सारे मंत्रियों को लेकर के। बड़ा अफसोस लगता है। इसका पूरा दोषी जो है वो भारत सरकार है, और मैं इसका जो खमियाजा पूरे देश को भोगना पड़ रहा है। नहीं सब जिक्र कर रहे हैं बंगाल के चुनाव का या बंगाल के परिणाम का, बंगाल के अंदर जो पॉलिटिकल कल्चर है, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप जस्टिफाई करते हैं क्या जो बंगाल का पॉलिटिकल कल्चर है? नहीं, बिल्कुल। वहाँ पे जिस तरह से ममता दीदी का जो एक, ये कहते हैं कि महिलाओं को सम्मान करते हैं, महिलाओं का कदर करते हैं, एक तो अगर कदर करते हैं तो इनके इनके मिनिस्ट्री में कितनी महिलाएं हैं, एक तो वो दिखने को मिल रहा है। दूसरी चीज़ है कि पूरे देश का जो सीनियर्स लीडर हैं, चाहे मंत्री कैबिनेट हो या फिर स्टेट के अलग अलग स्टेट के मिनिस्टर हो या वरीय अधिकारी हो, सारे के सारे एक महिला पे जाकर के इन्होंने जिस तरह से जुल्म ढाया है वहाँ पर, वो इतिहास नहीं भूलेगा। आप कवर अप कर रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि जो पॉलिटिकल सिनेरियो, पॉलिटिकल सेटअप है बंगाल का, आप जस्टिफाई करते हैं क्या? पोस्ट पोर्ड वायलेंस का आप समर्थन करते हैं क्या? इलेक्शन चार राज्य में हुआ, एक यूटी में हुआ, कहीं वायलेंस नहीं हुआ, बंगाल में ही वायलेंस हुआ है। मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि आप जस्टिफाई कर रहे हैं क्या? इसका सारा कुछ बीजेपी भी जाता है, ये ऐसा वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं तृणमूल की, गलत बात है। वो पूरे देश से उन्होंने आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोगों को ले आकर के वहाँ पर जिस तरह से माहौल बिगाड़ने का काम किया है, लोगों को भाईचारगी आपस में जो बंगाल में लोगों की थी बीच में, वो बिगाड़ने का काम ये बीजेपी ने किया है, ना कि तृणमूल ने किया है इसको। नीर साहब, वापस लौटते हैं झारखंड। 5 लाख लोगों को रोज़गार, सहायिका सेविका का मानदेय बढ़ाना, पारा टीचर का मामला लंबित है, आपके कोएलिशन से सरकार है, जवाब दीजिए कि ये तीन चीज़ क्यों नहीं? हर बात में कोरोना का बहाना नहीं कि काम करने का मौका नहीं मिला, पेंडिंग में लोग फंसे हुए हैं, ये पॉलिसी डिसीजन है जी। अगर आपके पास सेक्रेटरी वहाँ डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, अगर शासन अगर ये इशारा करे कि आप पॉलिसी बनाइए पारा टीचर्स को लेकर, सेविका सहायिका को लेकर के, या फिर जो रोजगार सृजन को लेकर के है, तो रोकता कौन है? नहीं, दो देखिए, देखने की चीज़ें, दो चीज़ें यहाँ पे आती है। आप जो बोल रहे हैं कि कोविड का, कोविड फैक्ट है, इसे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और इन साथ साथ में सिर्फ झारखंड की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे राज्य, पूरे देश का हाल ऐसा ही हो रखा है इस वक्त। तो सिर्फ इसमें दोषी हमारे झारखंड नहीं है कि इन्होंने जो वादे किए थे और ये पुकार पूरा नहीं कर, बिल्कुल होगा। 3 साल इनके कंप्लीट होने से पहले जो वादे इन लोगों ने किया था रोज़गार देने का, वो बिल्कुल होगा। और अफसोस ऊपर वाले समय हमेशा दुआ करता हूँ कि ये सिर्फ किसी एक राज्य के लिए नहीं है, चाहे वो बीजेपी के राज्य हो या फिर किसी और के भी राज्य हो, मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ सब राज्य, पूरे देश, दुनिया से ये रोग जिस तरह से आया हुआ है, ये बहुत ही भव्य है, बहुत खतरनाक है। जो डॉक्टर होने के नाते मैं महसूस करता हूँ कि वो उस परिवार पर क्या गुजरता होगा जो इससे गुजर रहे, जो जिस पर ऐसा हालत हो रखा है। जो क्रेडिट वार होता है, लोग श्रेय लेने का होड़ करते हैं, आपको पता है कि जो जन वितरण का जो सिस्टम है वो केंद्र की स्कीम है, जो गैर एनडीए शासन है राज्यों के अंदर या जो गैर भाजपा की जो सरकारें हैं राज्यों के अंदर, वो हमेशा वो क्रेडिट लेने की कोशिश क्यों नहीं करती है? क्यों करती हैं? वो क्यों नहीं स्वीकार करती हैं कि ये केंद्र की योजना है, राज्य के माध्यम से लोगों तक पहुँच रहा है, स्वीकार करने में हर्ज क्या है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप खुद एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपको खुद हर चीज़ से अवगत हैं, अपडेट हैं,
तो जिस वक्त यहाँ की जो सरकार बनी थी उस वक्त आपको यहाँ की सरकार की जो फंड की जो स्थिति हालत थी वो आप बेहतर जान रहे हैं कि जो आंकड़ाएं आई थी किस वक्त जो खजाना खाली का मामला आया था एक आया था। ये सब ये सेंट्रल की स्कीम है, इसमें पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, फंड का कोई लेना देना नहीं है, सरकार का है। सरकार सिर्फ राज्य के जरिए सिर्फ उसका वितरण करना है। क्रेडिट वार की मैं सवाल कर रहा हूँ कि क्रेडिट वार क्यों श्रेय लेने नहीं, श्रेय बिल्कुल श्रेय करने में हल क्या है कि ये केंद्र की योजना। मैं बिल्कुल इससे अवगत, मैं इससे आपकी बातों से मैं सहमत हूँ कि अगर वो केंद्र की योजनाएं यहाँ पे आ रही है, केंद्र का फंड आ रहा है, तो कम से कम वो क्लियर होना चाहिए कि किस डिपार्टमेंट के लिए भारत सरकार ने कितना फंड दिया है। अगर इस तरह का आता है तो मुझे नहीं लगता है कि झारखंड सरकार, झारखंड के जो हमारे जो गठबंधन की सरकार, वो इनकार करेगी इससे से कि जो फैक्ट है वो फैक्ट है। अगर जो फंड अपना झारखंड सरकार का खुद का फंड है वो, तो वो अपना ही नाम ले, अगर भारत सरकार का है तो बकायदा दिखाना चाहिए इस चीज़ को। लेकिन भारत सरकार क्लियर होना चाहिए, लेकिन भारत सरकार को ये, अभी जैसे कोविड का था मामला था, आपने वैक्सीन भेजा, ठीक है, वैक्सीन बनाया आपने, वैक्सीन बनाने के बाद आपने बोला कि हर राज्य अपनी वैक्सीन खुद खरीदेगी। तो जब राज्य अपने वैक्सीन खरीदेगी तो आपका पोस्टर बैनर क्यों? तो हर जगह इवेंट और ऐड के माध्यम से आप जो छाना चाह रहे हैं वो अब ऐसा नहीं चलने वाला है। हर बेरोजगार इस वक्त, आम जनता, हर लोग समझ रहा है, देख रहा है, और मजबूरी है। लोग कुछ कुछ जात के नाम से, कोई अपने पार्टियों के नाम से उलझे हुए हैं, समझ रहे हैं सारे लोग, बेरोजगार जो है युवा इस वक्त। पार्टी लाइन पे चलना भी है, बिल्कुल। कभी कभी नेताओं के लिए परेशानी होती है क्या पार्टी लाइन पे चलना, कि दिल कुछ और कहता है, पार्टी लाइन कुछ और है? मेरा ये मानना है, एक लंबा अनुभव रहा है मेरा इस फील्ड में, कि नेता कभी कभी घुटन महसूस करते हैं कि दिल कुछ और चाहता है, पार्टी लाइन कुछ और। नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा, मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस अभी नहीं है क्योंकि 5 से 6 साल ही हुआ है, लेकिन जितनी चीज़ें मैक्सिमम जो मुझे लगा कि मेरे विचार, जो विचारधारा मेरा अपना है, तो उसमें 99% वो चीज सूट ना करे, वो पार्टी लाइन से अलग है, तो विचार बोल करके लोग पल्ला झाड़ ले। नहीं, मैं करता हूँ, मैं नीचे नहीं, मैं करता हूँ कि जहाँ मुझे लगता है कि मुझे हेल्थ के संबंधी से लोगों की पार्टी से हट के काम करना, और मैं भी कर रहा हूँ अभी पार्टी से हट के। पार्टी ने मुझे गाइडलाइन जो किया था कोविड कंट्रोल रूम चलाने के लिए, उसके इतने भी आपने काम किया? मैंने किया, मैं पर्सनली। एक और सवाल है कि दो विधायक अभी आपस में उलझे हुए हैं, सोशल मीडिया पे वाक युद्ध चल रहा है दोनों के बीच में, चंदन कैर के जो विधायक है अमर बावरी और जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी। सबसे पहले ये बताइए कि जिस ढंग की भाषा का इस्तेमाल डॉक्टर इरफान अंसारी करते हैं वो सही है क्या? देखिए, वो एक डॉक्टर हैं, साथ में विधायक हैं, और दो बार के वो जनप्रतिनिधि बने हुए हैं, तो उनका अपने क्षेत्र का क्या माहौल है और विधानसभा में जिन चीज़ों का टिप्पणी होता है, बातें होती हैं, मैं थोड़ा उससे अनभिज्ञ इस वक्त हूँ। क्योंकि राजनीति में भाषा ही मर्यादा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अक्सर उनका स्टेटमेंट रहता है निशिकांत दुबे को लेकर के, अभी अमर बावरी को उन्होंने टारगेट किया है, तो ये सही है? नहीं, कभी देखिए, अगर आप एक शिक्षित हैं तो मुझे नहीं लगता है कि भाषा को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के बोलनी चाहिए, जो एक सभ्य मर्यादा में है वो बोलनी चाहिए। और अभी जब डॉक्टर इरफान अंसारी अगर वो जवाब दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि टिट फॉर टैट, अगर निशिकांत दुबे उन पर पलटवार कर रहे हैं तो उनको उसी तरह से जवाब देना चाहिए, और देते आ रहे हैं तो वहाँ भी एक तरह से वो सूट कर रहे हैं। मैं एक विशेष और खास राजनीतिक सवाल नियर सब मैं ले रहा हूँ, क्योंकि आप एक स्कॉलर भी हैं, आप एक MD हैं, मेडिसिन के फिजिशियन भी हैं, बुद्धिजीवी वर्ग से आप आते हैं, एक आम भारतीय मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के करीब क्यों नहीं है? मैं ये सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके अंदर जितनी बौद्धिकता है, मुझे लगता है कि मेरे सवाल का माकूल जवाब आपके स्तर पर आ पाएगा। एक आम भारतीय मुसलमान BJP से इतना दूर क्यों है? क्या सिर्फ धारा 370, क्या सिर्फ राम जन्मभूमि, क्या सिर्फ कॉमन सिविल कोर्ट, क्या सिर्फ 3 तलाक? देखिए, पूरे देश में आप जब से देश आज़ाद हुआ है, और जब जिस वक्त देश की आज़ादी की लड़ाई हो रही थी, उस वक्त से और आज के वक्त से हर चीज़ वो आईने की तरह साफ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बार पूछना चाहूँगा उन सभी भारतीय जनता पार्टी के चाहने वालों से, जो हमेशा वो एक ही नारा लगाते रहते हैं वो, और उनके फेवर में काम करते हैं, तो इतिहास निकाल करके एक बार ज़रूर उन्हें देखना चाहिए, ना कि वो चंद जो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, पत्रकार भाई जितने भी हैं, जो चुनिंदे हैं, मैं चुनिंदों को छोड़ के की बातें कर रहा हूँ, तो चुनिंदे जो दिखाते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी अपनी आँखों से आम जनता तक, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, उन तक पहुँचाना चाहते हैं, वो पहुँचाते हैं सिर्फ, तो वो देखने के बाद, चाहे वो हिंदू मजहब के लोग हों या मुस्लिम हों, उनके वो जो सोच है वो बदल जा रही है वहाँ पर। उस हालत में ऐसा नौबत आ रहा है कि लोग दूर हो रहे हैं, दूर यहाँ तब होने की बात आ रही है यहाँ पे, कोई इसमें 370 के मामला यहाँ पे नहीं आती, क्योंकि झारखंड के लोग क्या वहाँ रहने जाएंगे क्या? वैसा कुछ नहीं, कोई फीलिंग नहीं है, लेकिन दोनों में
मैं खामियां दोनों की बात बोल रहा हूँ, चाहे हिंदू समाज में भी हो मुस्लिम समाज में भी हो, दोनों में कुछ ऐसे जो समाज के तत्व जो गलत लोग हैं वो इस बीच जो लीड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, यस कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों को कर रहे हैं। भारत ऐसा जो कल्चर हमारा है, एक गंगा जमुना तहजीब हमारे यहाँ का है, कभी नहीं रहा है ऐसा, आपस में हमेशा मोहब्बत में बीच में लोग रहा है, लेकिन दोनों समाज में लोग ऐसे हैं जो मिसगाइड करके, चाहे चैनल के माध्यम से मिसगाइड कर रहे हों, चुनिंदे लोग बैठ जाते हैं और मैसेज पहुँचाने का काम करते हैं, हम आपके हित के लिए हैं और वो गलत है, वैसे लोग को चिन्हित करने की ज़रूरत है और उसको इग्नोर करना चाहिए, वैसे लोग को बिल्कुल समाज में कहीं तवज्जो नहीं देना चाहिए, मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से। और जितने जो पॉलिटिकल फिल्टरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। नेट साहब, आपने वक्त निकाला जेटी न्यूज इंडिया से बात करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके राजनीतिक जीवन के लिए हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। ये थे डॉक्टर पी नैयर, बता रहे थे राजनीतिक सफ़र को लेकर के और राजनीतिक टिप्पणियाँ उन्होंने काफ़ी गंभीर की हैं। जेटी न्यूज़ इंडिया के लिए मैं विजय कुमार सिंह, बोकारो से।